नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सभी से उन्हें बधाई मिल रही है, यहां तक कि विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने भी पीएम मोदी को बधाई दी है, विश किया है। लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी ने उन्हें विश किया है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी कांग्रेस पीएम मोदी पर तंज कस रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है, लेकिन कांग्रेस पर उनका दाव ही भारी पड़ गया है। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है। ऐसे में कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट ने पीएम मोदी की एक तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी कैमरे से तस्वीर ले रहे हैं। इस तस्वीर पर लिखा है, आपका ध्यान किधर है, बेरोजगार इधर है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है, मोदी जी फोटो खींचने और खिंचवाने से अगर आपको थोड़ी फुर्सत मिले तो देश के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा। आजकल देश के युवा बेहद लाचार और परेशान है। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। अब कांग्रेस के इस पोस्ट पर जनता कांग्रेस की क्लास लगा रही है, क्योंकि एक तो पहले से लोग पीएम मोदी से इतना प्यार करते हैं, ऊपर से आज उनका जन्मदिन है, तो जनता से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक यूजर ने लिखा है, कैमरे में तीन बेरोजगार दिखे, राहुल, प्रियंका और कांग्रेसियों के जीजा वाड्रा। दूसरे यूजर ने लिखा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पूरी कांग्रेस बेरोजगार हो गई है। एक और यूजर ने लिखा है, हाँ मोदी जी, कांग्रेस के लाखों बेरोजगार युवाओं के बारे में चिंतित तो जरूर होंगे। एक और यूजर ने लिखा है, सर जल्दी से राहुल गांधी को रोजगार दो, यहाँ वहाँ घूम रहा है वो। एक और यूजर ने लिखा है, ऐसे बेरोजगार भारत तोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन में लोगों में गजब की खुशी देखने को मिली, सभी लोग इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। आपको भी बता दें, राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को विश किया है। जैसे उन्होंने विश करते हुए लिखा था, विशिंग पीएम नरेंद्र मोदी अ हैप्पी बर्थडे। चलिए अंत में आपको ये भी सुना देते हैं कि कैसे पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर अपनी माँ को याद करके भावुक हो गए हैं। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं, बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। शक्ति का स्रोत है,